अगर तुम अपने आप को नहीं बदल सके, अपने जीवन को तुम नहीं बदल सके, तो इसका मतलब है तुमने कथा सुनी नहीं, तुमने व्यर्थ में परिश्रम किया। ये परिश्रम तुम्हारा व्यर्थ में, इसलिए मेरे भाई बहन आपसे प्रार्थना है कि कभी किसी की निंदा न सुनो और न करो। अगर कोई करता भी है, चलो मानता हूं, कई बार लोग कहते क्या करूं महाराज, अब वो आकर के करने लगते हैं, अब कैसे उठ करके भाग जाऊं। अगर कोई करता है तो उनको सावधान कर दो, भैया मेरे पास किसी की निंदा मत करो। अगर तुमको करना है तो या तो तुम चले जाओ या मैं चला जाता, उठ जाओ। व्यास जी से सनत कुमार कहते हैं, हे व्यास, हे मुनि, भगवान के शिव के कहने पर वो तीनों वहां से चले गए। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर कृपा करके भगवान शिव के अनेक चरित्रों को बताया, अब एक कथा श्रवण करने का मेरी इच्छा है, मैं जानना चाहता हूं कि पूर्व में मैंने सुना था कि भगवान शिव जलंधर का वध किया, कृपा कर मुझे ये बता, कथा विस्तार से श्रवण कराने की कृपा कर। राम का नाम राम का नाम लेकर शिव का नाम लेकर जो मर जाएंगे, शिव का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, शिव का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर
मेरे भाई बड़ी कीमती है, इसलिए सावधान। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती रतन सब बिखर जाएंगे। नाम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, नाम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, शिव का नाम लेकर जो मर जाएंगे, शिव का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे।
प्रभु ये मुझे समझाइए। कि भगवान शिव ने जलंधर का वध कैसे किया। ज्योतिषी ने कहा ऋषियों जब व्यास जी ने इस प्रकार के प्रश्न किए तो शौनकादि ऋषियों ने उनको कहा एक बार समस्त देवता देव गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र इत्यादि सब भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश गए। कैलाश पहुंचे, भगवान शिव इन लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक तपस्वी का वेश बना करके कैलाश के बाहर बैठ गए। जब कैलाश के दरवाजे पर बैठ गए इंद्र ने पूछा उस तपस्वी से हे ऋषि आप ये बताओ कि भगवान शिव अंदर हैं। तपस्वी नहीं बोले। फिर इंद्र ने पूछा आपका नाम क्या है। फिर वो तपस्वी नहीं बोला। इंद्र को बड़ा क्रोध आया कि देखो मैं बार बार पूछ रहा हूं और ये तपस्वी है कि कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्रोध में आकर के और अपने वज्र का प्रहार किया उस तपस्वी। बृहस्पति जो जी तो समझ चुके थे कि भगवान शिव ही है, जब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो भगवान शिव ने अपने हाथ से उसे रोक दिया और भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। अब क्रोध जब आया बृहस्पति जी ने ले जाकर के इंद्र को उनके चरणों में डाला, प्रभु इसके अपराध का क्षमा। भगवान शिव ने कहा अब इस क्रोध की ज्वाला को मैं कहां ले जाऊं। बहुत विचार करने के बाद भगवान शिव की जो क्रोध की ज्वाला थी उसको लेकर के समुद्र में फेंक दिया।
अब उस ज्वाला से एक बालक प्रकट हो गया। अब जब एक बालक प्रकट हुआ तो बालक रोने लगा। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, जैसे इस बालक को उठाया गोद में तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली उसने और इतनी कस करके दाढ़ी पकड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल की धारा प्रवाहित हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, इसने मेरे नेत्रों से जल की धारा प्रवाहित किया है, इसलिए आज से इसका नाम जलंधर। सागर से कहा, ये तुम्हारा पुत्र है, अब तुम इसको संभाल। जलंधर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो तपस्या करने के लिए चला। कठोर तप किया, और तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया। उसने भी कहा कि मेरी मृत्यु ना हो, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तू भगवान शिव का अंश है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता त्रिलोकी में, तुम्हारा वध, तुम्हारी मृत्यु भगवान शिव के ही हाथों। वरदान प्राप्त करके जलंधर जब पहुंचा, सीधे स्वर्ग में इंद्र के पास, इंद्र से कहा, इंद्र तुमने मेरे पिता का मंथन करके असुरों के साथ देवताओं के साथ मिलकर के तुमने मंथन करवाया था और उसमें जितने भी रत्न निकले तुम लोगों ने उन रत्नों को रख लिया, अमृत निकला तो तुम देवता लोग पान कर गए और हमारा भाई राहु जब अमृत पान करने के लिए बैठा तो तुमने विष्णु से कह करके तुम लोगों ने उसका सिर छेदन करवा दिया, इसलिए जितना भी मेरे पिता से तुमने रत्न लिया है सारे रत्न मुझे वापस करो। और नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। जलंधर ने जब ललकारा तो देवताओं ने मैं और जलंधर में
युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु के सहायता के लिए देवताओं ने पुकारा, क्योंकि सुर नर मुनि सब के यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सब अपने स्वार्थ के लिए ही किसी से कोई प्रेम करता है। पिता पुत्र से करता है, पुत्र पिता से करता, पति पत्नी से करती है करता है, पत्नी पति से प्रेम करता, भाई बहन से, नातेदार रिश्ते, सब स्वार्थ के। भगवान विष्णु जब युद्ध के लिए जाने लगे तो लक्ष्मी माता ने कहा, स्वामी आप मुझे एक वचन। भगवान विष्णु ने कहा, कैसा वचन? आप मुझे ये वचन दो कि आप मेरे भाई जलंधर का वध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं। और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को वचन दे दिया कि मैं तुम्हारे भाई का वध नहीं करूंगा। अब ये सब देख करके एक बार नारद जी महाराज स्वर्ग में गए, इंद्र ने देखा नारद जी को जाते हुए, इंद्र ने कहा, महाराज आप कहां जा रहे हैं? कहां जा रहा हूं मैं? जलंधर के राजधानी की तरफ जा रहा हूं इस समय, तेरे से आकर के मैं बात करूंगा, अभी पहले मैं जलंधर के पास जा रहा हूं। नारद जी जलंधर के पास जब पहुंचे तो जलंधर अपने राज्यसभा में बैठा हुआ था मंत्रियों के साथ। जब मंत्रियों के साथ बैठा था नारद जी को देख करके जलंधर उठ करके खड़ा हुआ, प्रणाम किया और सिंहासन पर बैठाए, और सिंहासन पर बैठा करके अर्घपाद्य शिव पूजा की। और जलंधर ने कहा, प्रभु आज इधर कैसे आगमन हुआ? नारद जी ने कहा, क्या बताओ, मैं आज कैलाश के तरफ से निकल रहा था, तो कैलाश की सौंदर्य को देखा, वहां के ऐश्वर्य को देखा, और तुम्हारे ऐश्वर्य को मेरे ध्यान में आया,
तुम्हारे पास सब ऐश्वर्य है, लेकिन एक ऐश्वर्य की कमी है। कैलाश से और तुम्हारे ऐश्वर्य से अगर बराबरी की जाए तो वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक कमी है। जलंधर ने कहा, क्या कमी है गुरुजी? तू क्यों नहीं विवाह कर लेता? वो रत्न अपने पास क्यों नहीं रख लेता? नारद जी कह करके वहां से चले गए। जलंधर ने दूत को भेजा भगवान शिव के पास। कि जाकर के शंकर से कह दो कि उस रत्न के योग्य वो नहीं है, उस दिव्य रत्न के योग्य तो महाराज जलंधर है। तब जाकर के उन्होंने, दूत ने जाकर के भगवान शिव से कहा, महाराज मेरे महाराज जलंधर ने संदेश भेजे हैं आपके पास, जो अति परम सुंदरी स्त्री रत्न आपके पास है, आप उसके योग्य नहीं है, इसके योग्य तो हमारे महाराज जलंधर हैं, इसलिए इस स्त्री रत्न को आप हमारे महाराज जलंधर को सौंप दें। अब रुद्रगण वहां बैठे हुए थे, इतना कहना था कि रुद्रगण अपने अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर के उठ खड़े हुए मारने के लिए। उस दूत ने देखा कि हां तो मेरे प्राण बचने वाले हैं नहीं, तो भगवान शंकर से कहा, महाराज मैं तो दूत हूं और रामायण में भी आया है, विभीषण जी ने रावण को कहा है, नीत विरोध न मारिय दूता। नीति कहता है कि दूत तो संदेश वाहक है, उसका वध करना उचित नहीं। उस दूत ने कहा, महाराज मैं तो दूत हूं, मैं तो संदेश वाहक हूं, जो उन्होंने संदेश दिया वो आपको मैंने पहुंचा दी। भगवान शिव ने कहा, इसे छोड़ दो। छोड़ दी। अब आकर के जलंधर को दूत ने सारी बात सुना दी। जलंधर को क्रोध आया और कैलाश के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब कैलाश के ऊपर चढ़ाई कर दिया, घनघोर युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ। लेकिन जितने भी अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपास्त्र, सब के सब विफल जा रहे हैं। देवताओं ने पूछा, महाराज
इतने अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया गया लेकिन ये मर क्यों नहीं रहा है। जल्दी उन्होंने कहा कि देखो ये इसलिए नहीं मर रहा है क्योंकि इसकी पत्नी पतिव्रता है। जब तक इसकी पत्नी का पाति व्रत भंग नष्ट नहीं होगा तब तक ये इसकी मृत्यु नहीं होगी, इसका वध नहीं किया जा सकता। इधर जलंधर ने छल किया, भगवान शिव तो दूर निकल गए कैलाश से लड़ते लड़ते। और इधर मायावी ने माया का शिव रूप धारण किया और माया का शिव रूप धारण करके पार्वती के पास पहुंच गया। पार्वती के पास पहुंच करके पार्वती ने देखी अभी तो भगवान भोलेनाथ गए थे युद्ध के लिए, अभी वापस आ गए। महाराज आप तो अभी युद्ध के लिए गए थे अभी वापस आ गए, शिव रूपधारी जलंधर ने कहा प्रिय तुम्हारा याद आ गया युद्ध करते कर। और तुम्हारे याद ने बरबस मुझे युद्ध छोड़ना पड़ा। इतने में पार्वती ने जलंधर की कपट को समझ गई, और समझते ही योग माया ने तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गया। भगवान विष्णु ने सोचा जिस प्रकार से जलंधर ने अपनी माया का प्रयोग किया ऐसे ही अगर मैं भी माया का प्रयोग करूं तो वृंदा का सतीत्व नष्ट हो जाए क्योंकि जैसे को तैसा। और यही सोच करके भगवान विष्णु ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और तपस्वी का रूप धारण करके एक गण को अपने साथ बंदर बना दिया। और जलंधर के राजधानी के समीप ही एक बगीचा था, उस बगीचे में रुक गए। जलंधर की पत्नी वृंदा उस बगीचे में सैर करने के लिए आई तो उस बंदर ने वृंदा के ऊपर झपट पड़ा और झपट करके उसके पीछे उसको दौड़ाया। अब वो उस बंदर से भयभीत होकर के भागी और जहां तपस्वी तप कर रहे थे जा करके उस तपस्वी से लिपट गई।
अब जब लिपट गई लिपटने के बाद भयसी तो वृंदा के नेत्र बंद थे, जब उसका नेत्र खुला तो देखती क्या है, वहां तपस्वी नहीं, वहां तो जलंधर। अब वृंदा जलंधर समझ करके अब उसके साथ विहार करने लगी। लेकिन मेरे भाई बहन, कपट ज्यादा दिन छुपता नहीं है, झूठ ज्यादा दिन छुपता नहीं है। वृंदा ने जलंधर वृंदा ने भगवान विष्णु की रूप को समझ लिया। अब तो वृंदा को क्रोध आ गया, और विष्णु से कहा, विष्णु तुमने मेरे साथ कपट किया है, तुमने मेरे पति व्रत धर्म को नष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जाओ, जैसे यही राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और यही बंदर जो तुम्हारा सहायता किया था, यही बंदर आगे चल करके तुम्हारा सहायता करेगा, और कह करके वृंदा ने योगाग्नि प्रकट की और अपने शरीर को जला। इधर भगवान शिव ने जलंधर से युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध करते करते भगवान शिव ने जलंधर के सिर को धर से अलग कर दिए और जलंधर का वध कर दिया। इधर भगवान विष्णु जब वृंदा जल गई और राख हो गई, तो उसके राख से लिपट करके रो रहे व्याकुल। ये दृश्य देख करके भगवान शिव ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने सबको साथ लेकर के भगवान शिव के पास गए। महाराज कोई उपाय करो, भगवान विष्णु वृंदा के प्रेम में इतने व्याकुल हुए पड़े हैं कि वृंदा के राख अपने शरीर में लपेट रखे हैं और उसको राख कर को लेकर के व्याकुल हो रहे हैं। तो भगवान शिव ने वहां तीन बीज बोए, एक धात्री का, दूसरा मालती का और तीसरी तुलसा का।
शरत कुमार जी बोले, जब वृंदा का तुलसी के रूप में धात्री और मालती के रूप में दिख करके भगवान विष्णु का जो ताप था वो ताप शांत हुआ, व्यास जी को शनत कुमार कथा श्रवण कराते हुए शंखचूर की उत्पत्ति की कथा सुनाई। शंखचूर कश्यप जी महाराज क्योंकि प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ कर दिया, जिसे ये सारा संसार सारी सृष्टि कश्यप जी का ही संतान है। कश्यप जी के पत्नियों में एक पत्नी का नाम था तनु, तनु का पुत्र हुआ दम, दम का पुत्र हुआ दंभ, दंभ ने बड़ी कठोर तप किया और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे एक सुंदर और बहुत परम बलशाली शक्तिशाली पुत्र चाहिए। भगवत कृपा से दंभ को पुत्र हुआ और उसका नाम रखा शंख। शंखचूर बड़ा ही बलशाली, बड़ा बलशाली। एक बार इंद्रलोक पर उसने चढ़ाई की और चढ़ाई करके समस्त देवताओं को तितर बितर कर दिया, सैनिकों को तितर बितर कर दिया। तब देवता भगवान शिव के चरणों में गए और प्रार्थना की। भगवान शिव ने आश्वासन दिया कि आप लोग चिंता न करें और भगवान शिव का और शंखचूर का द्वंद युद्ध हुआ और उसमें भगवान शिव ने शंखचूर का उद्धार करते हुए भगवान शिव
उनकी समस्त सेनाओं का उद्धार किया और भगवान शिव ने शंखचूर का उद्धार किया। लेकिन शंखचूर की जो पत्नी थी तुलसी, क्योंकि शंखचूर का की पत्नी तुलसी पतिव्रता स्त्री थी, और उस पतिव्रता स्त्री तुलसी के सतीत्व को भगवान विष्णु ने भंग किया था। इसीलिए भगवान विष्णु को तुलसी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पाषाण हो जाओ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो पाषाण होऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मैं श्राप देता हूं, तू गंडकी नदी हो जा। जो भी पाषाण गंडकी की नदी में प्राप्त होगा वो मेरा ही रूप। इसीलिए गंडकी की नदी में जो पाषाण होता है वो शालिग्राम होता है और वो विष्णु का ही रूप होता है। और इसीलिए कहते हैं कि जब तक तुलसा भगवान शालिग्राम पे या भगवान विष्णु पे नहीं चढ़ता है, तब तक भगवान विष्णु की पूजा निष्फल मानी जाती है। जैसे बिल्व पत्र है, भगवान शिव के शिवलिंग पे जब तक बिल्व पत्र न चढ़ाई जाए, भगवान विष्णु के ऊपर जब तक तुलसी दल न चढ़ाई जाए, भगवान विष्णु के भोग में जब तक तुलसी दल न रखा जाए, तब तक वो पूजा पूर्ण नहीं होता, तब तक भगवान विष्णु का भोग नहीं लगता है। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने भगवान शिव की उन उत्तम लीलाओं के विषय में बताए जो मंगलकारिणी है, सुखदायिनी है, जलंधर के लीला आपने बताए, शंखचूर की लीला बताई, सत्यवती पुत्र व्यास जी महाराज जब यही प्रश्न पूछे, तस नारद जी के मन में उत्सुक हुई और हिरण्याक्ष की कथा सुनाई। आप लोगों ने
अनेकों बार हिरण्याक्ष की कथा श्रवण किए होंगे, भागवत में भी आता है। जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, अनेकानेक सृष्टि की स्थावर जंगम ऋषि मुनि सबका, लेकिन अनेकों ऋषियों के पुलह क्रतु भृगु नारद वशिष्ठ जमदग्नि सबके की, और सबसे कहा तुम सृष्टि करो, लेकिन सबने मना कर दी कि मैं सृष्टि नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने मन में अपने भगवान का ध्यान किए और उनके शरीर का दो भाग हुआ, एक से मनु जी और दूसरे से शत्रुपा का उत्पत्ति हुई। दोनों ने प्रार्थना की, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। मनु जी महाराज ने कहा कि पिताजी कैसे सृष्टि करूं, चारों तरफ तो जल ही जल है, पृथ्वी तो है नहीं, सृष्टि करे कौन? तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा करके समुद्र के नीचे ले जाकर के छुपा दिया और पृथ्वी के चारों तरफ विष्ठा के परकोटा लगा दिए थे कि कोई आ न सके। तब ब्रह्मा जी ने मनु जी महाराज की बात श्रवण करके और उन्होंने पुनः भगवान का ध्यान किए और ब्रह्मा जी के नासिका से छींक आई और छोटा सा बारह प्रकट हुआ। बोल बारह भगवान की जय हो। तो बारह प्रकट हुआ और वो देखते देखते सबके और विराट रूप धारण करके समुद्र की कुच्छी को चीरते हुए नीचे गए। और उस समय हिरण्याक्ष वहां नहीं था। पृथ्वी को जब ले करके आ रहे थे रास्ते में हिरण्याक्ष मिल गए। भगवान बाराह से कहा ये पृथ्वी मेरी है, तुम कहां लेकर के चल दिए? भगवान बाराह कहते हैं ने सोचा अगर इस समय युद्ध करता हूं तो पृथ्वी रह जाएगी, तो उन्होंने ऊपर आकर के पृथ्वी को स्थापित किए और स्थापित करके पृथ्वी को और उन्होंने पुनः जा करके और हिरण्याक्ष से द्वंद्व युद्ध करके और उनका उद्धार किया। सनत कुमार जी बोले हे व्यास जी
बाराह भगवान जब हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिए तो हिरण्याक्ष दो भाई है, एक हिरण्याक्ष दूसरा हिरण्यकश्यप। ये दोनों वैकुंठ के भगवान नारायण के पार्षद है, द्वारपाल है, जय और विजय। शनकादि ऋषियों के भीतर वैकुंठ में प्रवेश करने से रोकने के कारण जय और विजय को शनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया।